जय हिंद। इस वीडियो में लोग विजयसागर फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कंपनी पर बात करेंगे। देखिए, जो इसका शेयर होल्डर है उनके लिए खुशखबरी है। आज से इसमें अपर सर्किट लगा है, शेयर प्राइस यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे में जो लोग काफ़ी दिनों से टेंशन में थे, जिनको बहुत नुकसान हो रहा था लोअर सर्किट के चलते, तो वो अगर निकलना चाहते हैं तो अभी निकल सकते हैं। बाकी वो लोग जो ये जानना चाहते हैं कि अपर सर्किट लगा है तो ये कितने दिनों तक बरकरार रहेगा, क्या हमें इस कंपनी में अभी ठहरना चाहिए, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से हमें इसमें समय देना ठीक रहेगा या नहीं, तो वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हर एक चीज़ का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आइए शुरुआत थोड़ा सा शुरू से करेंगे। आपको बताते हैं कि ये जो विजयसागर फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कंपनी है, ये एक NBFC कंपनी है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। यह इस तरह की जो कंपनियां होती है, कॉर्पोरेट लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। मार्केट कैप है 24 करोड़ 80 लाख, यानी कि एक पेनी स्टॉक है, यह आपको पता है। और शेयर प्राइस है 2 रुपये 91 पैसा। देखिए, आज के दिन का शेयर प्राइस है और अपर सर्किट लगा है, अर्थात शेयर प्राइस अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर ही जाएगा। हाई लगा चुका है 6 रुपये 97 पैसा का, मतलब कंपनी का शेयर प्राइस अधिकतम कहाँ तक आया है, यहाँ तक आया 6 रुपये 97 पैसा, लगभग 7 रुपये तक। और ये किस दिन आया था देखेंगे, 28 जनवरी को आया था। इसी साल जनवरी में इसने अपना हाई लगाया था, उसके बाद से शेयर प्राइस डाउन जाने लगा था, लेकिन अब फाइनली अपर सर्किट लगा था तो शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। पिछले एक दो दिनों से इस कंपनी में शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिल रहा है, तो इसी के बदौलत देखेंगे एक सप्ताह का रिटर्न इसका पॉजिटिव में आ गया है। हालांकि एक माह का रिटर्न अभी भी लगभग -40% निगेटिव में है, लेकिन जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था, जब शेयर में लोअर सर्किट लगा था, उस समय इसका एक माह का रिटर्न -61.75% था। तब मैंने आपको कहा था कि जब इसमें अपर सर्किट लगेगा, शेयर प्राइस में तेजी आनी शुरू हो जाएगी, तो एक माह का जो रिटर्न है -61% या धीरे धीरे कम होने लगेगा। और देखिए, अभी कम होकर -40% आ गया है, और जैसे अभी अपर सर्किट लगा है तो शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। थोड़ा दिन और अपर सर्किट बरकरार रहा या शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाता रहा, तो एक माह का जो रिटर्न निगेटिव में या पूरा तरह से पॉजिटिव में आ जाएगा। और 61% बहुत ज्यादा टूट चुका था, मैंने कहा था यहां तक नहीं टूटना चाहिए, जल्दी इसमें अपर सर्किट लगा था, अपर सर्किट लगा भी, शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। मैंने ये भी कहा था कि इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपको बताया था 2 रुपये 54 पैसा, देखिए कंपनी का जो शेयर प्राइस डाउन जा रहा था, डाउन होकर 2 रुपये 54 पैसा तक नहीं आया, ऑलरेडी 2 रुपये 30 पैसा से ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऊपर उठ गया और शेयर प्राइस अभी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो जब शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें अपर सर्किट लगा है, तो इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, पहला रेजिस्टेंस लेवल है 3 रुपये 10 पैसा, और अगर इसको पार कर जाता, इजीली इसको पार कर जाएगा, अपर सर्किट 5% का लगा है, तो कल तो आराम से 3 रुपये 10 पैसा का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल, इसको पार कर जाएगा। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 4 रुपये के लेवल को अगर पार कर जाता है, तो इसमें अस्थायी तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि जो लोग जरूरत का रुपया इस कंपनी में लगा दिए हैं, फंसे हुए हैं, काफ़ी टेंशन में हैं, वो क्या कीजिए, जब 3 रुपये 10 पैसा के लेवल को पार कर जाएगा कल, तो आराम से आप बेच के निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हालांकि आप अगर फिर भी लॉस में रहेंगे 3 रुपये 10 पैसा के बाद भी, तब आप आराम से बने रहे, 4 रुपये के लेवल को पार होने दीजिए, उसके बाद इसका जो नया टारगेट रहेगा उसको भी पार होने दीजिए, आराम से 6 रुपये के आसपास चला जाएगा, वहां तक तो आपको नुकसान नहीं रहेगा, उसके ऊपर जब जाएगा तब बेच के निकल जाएगा। लेकिन जो लोग इसमें समय देना चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, फंडामेंटल भी कोई ज्यादा बुरा नहीं है, इसमें आप ठहर सकते हैं, इसलिए अगर आप इसमें रुकना चाहते हैं तो आराम से बने रहिए, कोई आपके लिए दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो लोग निकलना चाहते हैं टेंशन में, 3 रुपये 10 पैसा के लेवल को पार हो जाने दीजिए, उसके बाद आप निकल जाइएगा। अब समझिए सपोर्ट लेवल की बात करते हैं। इसका सपोर्ट लेवल जो पहला है 2 रुपये 78 पैसा, और जो दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 2 रुपये 30 पैसा है, क्योंकि यहीं से अभी उठना शुरू हुआ है। लेकिन आप RSI देखेंगे, RSI आगे 39, और अभी अप ट्रेंड में, मतलब RSI ऊपर जा रहा है, और आपको पता है कि जब RSI ऊपर जाता है तो शेयर प्राइस भी ऊपर ही जाता है, इसलिए जब ऊपर जा रहा है तो हम लोग फिलहाल सपोर्ट लेवल की बात नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा एक नज़र आपको यहाँ थोड़ा सा फंडामेंटल के बारे में बताऊंगा। कंपनी के पास देखिए, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 24 करोड़ का है, लेकिन इस हिसाब से रिजर्व कंपनी के पास बहुत कम है, सिर्फ 5 करोड़ का रिजर्व है, और कर्जा भी हालांकि देखेंगे तो लगभग 3 करोड़ का कर्जा है, तो जितना रिजर्व है उसका आधा लगभग कर्जा भी है, तो यह ठीक नहीं है, कर्जा थोड़ा कम होना चाहिए। हालांकि कर्जा धीरे धीरे कंपनी कम करे, ये अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 5.34%, बहुत कम हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की, तो जैसा कि पेनी शेयर्स में होता है, प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी कम ही होती है, इसमें भी प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी बहुत कम है, पब्लिक के पास मैक्सिमम शेयर्स पड़े हुए लगभग 95%। तो यहाँ तक आप बातें समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा। हालांकि इस वीडियो में, यह वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, मेरा आपको बाई एंड सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मेरा सुझाव यह है कि अगर आप फंसे हुए निकलना चाहते हो तो बेशक निकल सकते हैं। बहुत सारे लोगों की क्यूरी थी इसके ऊपर वीडियो लेकर आने के लिए, तो मैंने यह वीडियो बनाया। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा, लेकिन बाई एंड सेल की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।